The opposition has given notice in Lok Sabha and Raj Sabha, you know, seeking suspension. CPI has... Definitely, not only the major opposition parties, that means the Congress party, even other parties will be giving, our party will be giving notice asking to suspend the business and discuss these scams. हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मुख्यमंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए. ये कैसे मुमकिन है कि व्यापम जैसा घोटाला हो और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बने रहे हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री बुरी तरह शामिल हैं, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं. सुषमा स्वराज, उनका मोदी से, ललित मोदी से जो रिश्ते हैं वो सारे देश को मालूम है, इसके बावजूद वो फॉरेन मिनिस्टर बनी हुई हैं, अपने पद का नाजायज फायदा उठा रही हैं. हम कह रहे हैं कि इन लोगों के इस्तीफे लीजिए या इनको अलहदा कीजिए, पार्लियामेंट चलेगी अगर वो इस्तीफे लेंगे तो. ये सरकार के रुख पर ज्यादा निर्भर करता है. जिन मूल्यों और मापदंडों को लेकर के हमने यूपीए सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे मांगे थे, संसद की कार्रवाई बाधित की थी, वही सारे मुद्दे आज एनडीए के मंत्रियों के और सरकार के सामने हैं. श्री जेटली ने कहा था कि संसद की कार्रवाई बाधित करना भी एक प्रतिरोध होता है. तो जो बीजेपी के मापदंड थे उस समय, वो अब बदल कैसे गए? हम जो है वो डिस्कशन चाहते हैं और वो डिस्टरबेंस करना चाहते हैं. तो सवाल यहाँ पर डिस्टरबेंस और डिस्कशन के बीच का है. और यहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के करप्शन के कंकालों का ये कोताहल है. और कांग्रेस के करप्शन के कंकालों का ये कोताहल जो है उसको किसी तरह का फायदा नहीं देगा. हम उनके सभी जितने भी सवाल हैं उन सवालों का सुपरहिट जवाब देंगे, चिंता वो ना करें. जहां तक सवाल है, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समय, किसी भी चीज पर वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं. लेकिन चर्चा के बजाय जो है वो चाव चाव करना और उसके साथ साथ जो है वो मुद्दों के बजाय जो है वो मुद्दों से भागना, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी आदत है. जनता की आवाज, जो जनता ने जो जिम्मेदारी विपक्ष को दी है, वो धमाकेदार आवाज हम लोग जो बुलंद करेंगे. क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब इस सरकार के एक वर्ष हुए थे तो मुझे याद है मथुरा में प्रधानमंत्री जी सीना तान के बात को कह रहे थे कि हमारी सरकार में एक साल में कोई भी आरोप नहीं लगा. वही आज प्रधानमंत्री जी उन आरोप पर क्यों चुप हैं, हम ये जानना चाहते हैं. क्योंकि व्यापम घोटाला हो, चाहे ललित गेट कांड हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मैटर हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मिलावट हो, कश्मीर में आतंकवादियों का जिस तरह तांडव चल रहा है, चीन जिस तरह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो हम सब उन मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहते हैं.